दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक और भर्ती के बारे में जो कि आबकारी विभाग में आई हुई है। तो इसका इस वीडियो में कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या है, इसकी परीक्षा डेट क्या है, इसमें फीस कितने लगने वाली है, इसकी योग्यता क्या रहेगी, इसमें शारीरिक मापदंड क्या रहने वाला है, कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ आबकारी विभाग की। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के नए नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको जो है तो बेल आइकन दबा लीजिए, तो आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश या इंडिया लेवल की कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले इस चैनल में मैं बना करके वीडियो डाल देता हूँ, तो आप तक वो जानकारी पहुँच जाएगी। ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक भर्ती आई हुई है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा, मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या पीईबी के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती है आबकारी विभाग की कार्यपालिका भर्ती 2022-23 के लिए निकाली गई है, आबकारी आरक्षक रिक्वायरमेंट 2022-23। ओके, तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा? तो इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो 10/12/2022 से होने वाला है। अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है ना, तो ये 10/12/2022 से स्टार्ट होगा और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 24/12/2022 होने वाली है। तो आप लोग को इसको स्पेशली ध्यान रखना है कि फॉर्म कब से कब भराएगा, तो 10/12/2022 से 24/12/2022 तक इसका फॉर्म फिलअप होंगे। परीक्षा की जो दिनांक है, एक्सपेक्टेड जो डेट डिक्लेयर की गई है वो बच्चों कब की गई है, 20 फरवरी से, अर्थात 20 फरवरी 2022 से इसकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा की फीस कितनी लगने वाली है, जनरल कैटेगरी के यदि बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उनकी परीक्षा फीस ₹500 रहेगी, और यदि एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं तो उनकी फीस जो रहने वाली है वो ₹250 रहेगी। कुल पद इसमें जो निर्धारित किए गए हैं वो सीधी भर्ती, दो प्रकार की भर्ती इसमें है, सीधी भर्ती के द्वारा 51 पद रिक्त हैं जिसको भरा जाएगा, और बैकलॉग के पद 149 हैं। ऐसे हम देखेंगे तो कुल जो रिक्त पद हैं, जो कुल पदों की संख्याएं हैं वो 200 निर्धारित की गई है, अर्थात आपका विभाग की जो भर्ती आई है उसमें कुल पद जो हैं वो 200 पद निर्धारित हैं। इसका वेतनमान क्या रहने वाला है, हम लोग देखेंगे पांचवें पॉइंट में। इसका वेतनमान जो है वो 19,500 से 62,000 तक रहेगा, और इसमें जब महंगाई भत्ता वगैरह सब ऐड होगा तो इसका वेतन जो है तो और बढ़ेगा, लगभग जो है तो ये लगभग 25-26,000 स्टार्टिंग रहेगा और लगभग 100,000 के आसपास रिटायरमेंट तक रहने वाला है। तो ये वेतनमान स्टार्टिंग है ₹9,500 से ₹62,000 के बीच में रहेगा। योग्यता क्या रहने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आबकारी विभाग में जो आरक्षक की भर्ती आई हुई है बच्चों, उसमें जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, वो कम से कम मिनिमम 12th पास होना चाहिए, अर्थात 12वीं पास वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 12th पास मांगा गया है, 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं यदि पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो यदि अदर स्टेट के बच्चे हैं इसमें, इस आरक्षक इस आबकारी विभाग की जो आरक्षक की भर्ती आई है आबकारी आरक्षक की, इसमें अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 वर्ष 33 वर्ष होना चाहिए अदर स्टेट के यदि बच्चे हैं तो। यदि मध्य प्रदेश से बच्चे हैं किसी भी कैटेगरी से हैं तो 18 वर्ष से 38 वर्ष तक के लिए है, और उसमें यदि एसटी एससी ओबीसी वाले बच्चे हैं तो 5 वर्ष की छूट भी रहेगी। ओके, तो फिर से मैं बता दूं आप लोग को, यदि अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आबकारी आरक्षक भर्ती में तो उनकी जो एज लिमिट होगी वो 18 से 33 वर्ष रहेगी। यदि एमपी से बच्चे हैं, यदि मध्य प्रदेश के बच्चे हैं तो उनका ये जो एज क्राइटेरिया है किसी भी कैटेगरी से हो वो 18 से 38 वर्ष है, पर यदि वे एसटी एससी ओबीसी और महिला से हैं तो उनका 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। परीक्षा का समय क्या रहेगा, तो परीक्षा जो है वो 2 घंटे का होने वाला है। परीक्षा का जो समय है 2 घंटे का है और 2 पालियों में होने वाला है। एक सुबह में होगा 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा, और दोपहर में सेकेंड पाली में क्या होगा 3 बजे से 5 बजे तक एग्जाम इसका होगा। तो दिन में 2 बार पेपर होने वाला है, प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, और दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आबकारी विभाग की जो भर्ती है उसमें न्यूनतम शारीरिक अर्हता, अर्थात यदि आप पुरुष हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 100
67.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अर्थात ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। और यदि आप महिला हैं तो आपकी ऊंचाई 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना नॉर्मल जो कंडीशन होती है सीने की, उस समय 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फूलने पर जो है तो 86 सेंटीमीटर के आसपास में होना चाहिए। ये पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए जो है तो सीना कोई लागू नहीं होता, अर्थात सीना की जो है तो माप नहीं ली जाती है। तो ये हमारा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल MPSSB PEB के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है आबकारी विभाग की, कार्यपालिका की। इसमें जो है तो हम लोगों ने देखा कि आबकारी आरक्षक रिक्वायरमेंट 2023, इसका एप्लीकेशन डेट हमने देख लिया। एप्लीकेशन जो डेट है वो फॉर्म भराएंगे 10/12/2022 से 24/12/2022 तक। जिसकी एग्जाम डेट फिक्स की गई है, निर्धारित की गई है, वो 20 तारीख है। 20 फरवरी से इसका जो है तो एग्जाम प्रारंभ होगा। परीक्षा फीस जो रहेगी वो जनरल कैटेगरी की ₹500 रहेगी, ST SC OBC की और AWS की ₹250 रहेगी। कुलपद इसमें हमने देखा है, कुलपद जो है वो कितने हैं, 200 पद हैं। अर्थात आबकारी विभाग की जो भर्ती आई है उसमें कुल पदों की संख्या जो है वो 200 हैं और वेतन जो रहेगा वो 19,500 से 62,500 के 62,000 के आसपास में बीच में रहेगा। योग्यता जो रहने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। योग्यता आपके पास में जो है तो 12वीं पास, मात्र 12वीं पास होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हैं तो आबकारी विभाग की भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं। आयु सीमा जो है अदर स्टेट वालों के लिए 18 वर्ष 33 वर्ष है, और यदि एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं तो 18 वर्ष से 38 वर्ष के बीच में होना चाहिए किसी भी कैटेगरी के हों। यदि एसटी एससी ओबीसी से हैं तो 5 वर्ष की उनको छूट भी मिलेगी। परीक्षा का जो समय है, परीक्षा जो होगा बच्चों वो 2 घंटे का पेपर होगा। सुबह एक पाली, पहली पाली सुबह है, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एग्जाम होगा और दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक एग्जाम होगा। न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं, अर्थात यदि कोई पुरुष अभ्यर्थी है, पुरुष कोई फॉर्म भर रहा है, मेल कोई फॉर्म भर रहा है, तो उसकी जो हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है, कम से कम 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि महिला है तो 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि पुरुष है तो उसका सीना जो है नॉर्मल कंडीशन में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर जो है तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो आबकारी विभाग में सिलेबस क्या आने वाला है, क्योंकि आबकारी विभाग का जो पेपर होना है वो 12th बेसिस पे होना है, अर्थात उसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 12वीं पास मांगा गया है। तो इसका जो सिलेबस बताया है, जो रूल बुक में सिलेबस दिया है, जो रूल बुक में सिलेबस अनाउंस किया गया है, वो क्या है, जीके और जीएस। ये कितने नंबर का रहेगा बच्चों, 40 नंबर का रहेगा। सेकेंड रहेगा आपका रीजनिंग, ये 30 नंबर की रहेगी, और आपका जनरल साइंस और मैथ 30 नंबर का रहेगा। जो टोटल क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वो 100 मार्क्स का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। ओके, जो टोटल क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, जिसमें जीके जीएस 40 नंबर रहेगा, रीजनिंग 30 नंबर रहेगी और साइंस और मैथ के क्वेश्चन मिलाकर 30 नंबर रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा, टाइम 2 घंटे का मिलेगा, 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली होगी और दूसरी पाली में 3 बजे से 5 बजे तक पेपर होगा। तो ये रही हमारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की भर्ती आबकारी विभाग की। तो इसमें आप लोग फॉर्म जरूर डालिएगा, क्योंकि ये बहुत सालों बाद, 10 से 12 15 साल बाद ये भर्ती आई हुई है और बहुत अच्छी भर्ती है। तो इसकी जो एप्लीकेशन डेट है, एग्जाम डेट है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। इसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस बहुत इजी पूछा गया है, हालांकि नॉन टेक्निकल में जीके जीएस 40 नंबर आएगा, ये थोड़ा सा टफ होगा। बाकी रीजनिंग और मैथ साइंस में आपके 60 नंबर पक्के हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं इसमें। तो यह एक अच्छा मौका है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए या मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चों के लिए भी, क्योंकि इस भर्ती में मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बच्चे तो फॉर्म अप्लाई करेंगे ही। तो इसकी एग्जाम डेट आप लोग को याद रखना है, एप्लीकेशन डेट याद रखना है, आप लोग को एप्लीकेशन डेट जो है फॉर्म भरने की वो याद रखना है कि 10/12/2022 से 24/12/2022 तक, है ना, मात्र 14 दिन फॉर्म भराएंगे। इसके बाद आपका फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। अब मैं इसकी बात करूं कि यदि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो इसका कट ऑफ क्या रहेगा, तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी जानकारी आप लोग देख लेना कि आबकारी विभाग कार्यालय भर्ती जो निकली हुई है 22-23 की, है ना, उसका एप्लीकेशन डेट, एग्जाम डेट, उसकी फीस क्या रहने वाली है, कुल पद कितने हैं, 200 पद हैं, है ना, सीधी भर्ती के 51 पद हैं और बैकलॉग के 149 पद हैं।
हैं, वेतनमान कितना रहेगा, क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास मांगा है, एज लिमिट हमने बता दिया, और इसका समय जो रहेगा एग्जाम का ये भी हमने देख लिया कि 2 घंटे का रहने वाला है और 2 पालियों में एग्जाम होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आबकारी विभाग में जो भर्ती आई है उसमें हमें लगभग कितने मार्क्स लाना पड़ेगा जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो इस चीज को भी हम देख लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है तो आपको क्या क्या पढ़ना है और कहां कहां चीज़ें आने वाली है। तो सबसे पहले सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो सिलेबस जो है आबकारी विभाग का 2022-23 का, उसमें पूछा गया है, नंबर 1 में है जीके जीएस जो कि 40 नंबर का रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपका सेकेंड में रहेगा रीजनिंग, तो रीजनिंग जो है बच्चों वो 30 नंबर की रहने वाली है। ओके, और आपका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, जनरल साइंस। ओके, जनरल साइंस रहने वाली है, एंड इसी में क्या जोड़ दिया है उसने, मैथमेटिक्स जोड़ दिया है, तो आपका जो है तो ये भी 30 नंबर का रहेगा। अब आप लोग को ये जो पेपर क्वेश्चन पेपर बनेगा ये टोटल इतने टॉपिक से बनेगा मात्र, और ये टोटल क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। अब ये 100 मार्क्स को आपको कंप्लीट करना कितने घंटे में, ये 2 घंटे में आपका जो है तो कंप्लीट पेपर होगा, तो ये 2 घंटे में आपको कवर करना है। अब मैं आपको बता दूं कि देखो जीके और जीएस ये थोड़ा सा जो है तो इसमें मेहनत करने वाली चीज़ है। रीजनिंग में आप 30 में 30 ला सकते हो, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स में आप 30 में कम से कम 28 नंबर ला सकते हो, तो 58-60 नंबर ये जो दो पार्ट है ये 55-58 के आसपास में तो कंप्लीट है अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो। अगर इसमें आपने कितना ला लिया, 40 में अगर 30 भी ला लिया आपने तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है, क्योंकि 60-30 जो है तो 90 हो रहा है, 85-90 हो रहा है। अगर आप जीके जीएस में 25 भी ला रहे हो, है ना, जीके जीएस में आप 25 भी ला रहे हो और यहाँ 55 भी ला रहे हो, तो 55-5 जो है तो 60-70-80 लगभग जो है तो आपको बच्चों 100, ये पीबी व्यापम का एग्जाम है, अगर आप 100 में आप 80 नंबर ला रहे हो तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का होने वाला है। तो आज का जो है तो लेक्चर यहीं तक, हमने देखा कंप्लीट नोटिफिकेशन आबकारी विभाग का, जिसमें हमने देखा कि उसका जो है तो एप्लीकेशन फॉर्म क्या डेट दी गई है ना, और उसका परीक्षा डेट क्या है, योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है ना, और पेपर जो होगा कितने घंटे का होगा, कितने पालियों में होगा, और उसकी न्यूनतम शारीरिक अर्हताएँ वो जरूर ध्यान रखना है। जो भी बच्चे इसमें फॉर्म भरें वो ये जरूर देख लें कि हमारी जो हाइट है वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो आपको ये सारी चीज़ें देखना है। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।